तो अभी सबसे पहले ये हमारा डीजल जनरेटर है, इसमें एक हिस्सा इसका इंजन है और एक हिस्सा आगे अल्टरनेटर है जो जनरेटर कहलाता है हमारा, सही है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा ये कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है। ये इंजन को भी कंट्रोल कर रहा है और अल्टरनेटर को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे जनरेटर का मेन ब्रेकर है, ठीक है, जिसमें से पावर आउट होके आपके ATS पैनल में जा रही है, ठीक हो गया। अभी जनरेटर का जो भी ऑपरेशन है ये पूरा उसका ब्रेन है, ये पूरा सेंस कर रहा है कि इंजन में क्या चल रहा है, अल्टरनेटर में क्या चल रहा है और मुझे आउटपुट क्या देना है। अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसको शट डाउन कर देगा और यहाँ पे अलार्म दिखाएगा आपको। अल्टरनेटर में कोई इशू रहेगा ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा, यहाँ पे अलार्म दिखाएगा। आपको उस अलार्म को देखना है और ये मालूम करना है कि ये किससे रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडर वोल्टेज का अलार्म आ रहा है तो अंडर वोल्टेज रिलेट करता है बिजली से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से। तो आपको अल्टरनेटर में चेक करना है कि अल्टरनेटर वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आता है लो ऑयल प्रेशर तो लो ऑयल प्रेशर का रिलेशन होता है इंजन के साथ, तो आपको इंजन का ऑयल लेवल चेक करना है, ऑयल प्रेशर चेक करना है या इंजन की स्पीड, इंजन स्टार्ट सही हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कुछ बटन लगे हुए हैं इधर, ठीक है, मॉड्यूल पे। सबसे पहले ये इसका डिस्प्ले का एरिया है, ठीक है। ये इसके चार नेविगेशन के बटन है जहां से आप इंजन के पैरामीटर वगैरह देख सकते हो। तो कैसे देखेंगे इंजन के पैरामीटर, सबसे पहले अभी देखो, अभी ये ऑटो मोड पे और जनरेटर एट रेस्ट है और ऑटो मोड है, ठीक है। अगर मुझे इंजन का पैरामीटर देखना है तो कैसे देखेंगे, हम ये राइट एरो को दबाएंगे और उसके बाद ये देखो ये दिखा रहा है इंजन स्पीड, जब इंजन चल रहा होगा यहाँ पे 1800 RPM आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ऑयल प्रेशर दिखा रहा होगा जब चल रहा होगा, क्योंकि अभी चल नहीं रहा तो ऑयल प्रेशर की रीडिंग भी नहीं आ रही। इसी तरह कूलेंट टेम्परेचर भी बताएगा कि रेडिएटर के पानी का कितना टेम्परेचर है अभी, ठीक है। इसी के अलावा अभी देखो बैटरी चार्जिंग पे तो 27.5 है, अगर चार्जर में बंद कर दूंगा तो 25-24 इतना शो होगा। तो आपको ये भी चीज ख्याल रखना है कि हमेशा बैटरी चार्जिंग पोजीशन में है कि नहीं, अगर 20 से नीचे चलाएगा 16 पे चलाएगा फिर जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि बैटरी चार्जिंग पोजीशन में है या नहीं। दूसरा ये वो जो मैंने आपको ATS में दिखाया था कि 220 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, वो 220 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है हमारे कंट्रोलर में इधर, ठीक है, और उससे ये चार्जर चल रहा है, ये बैटरी चार्जर लगा हुआ है, ठीक है। ये 24 वोल्ट का बैटरी चार्जर लगा हुआ है और एक इसमें हीटर लगा और ये चार वायर आपकी लगी हुई है इधर जो उधर से आ रही थी, ठीक है। ये X2 पे चार वायर आपकी लगी हुई है, एक में 220 आ रहा है और एक में रिमोट सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो अभी बैटरी चार्जर चल रहा है तो 27.5 है। अगर मैं इधर से ब्रेकर बंद करूं, लेट्स सपोज ये वाला है और ये वाला है, ये वाला हाँ, ये देखो अभी ये ब्रेकर ऑफ किया, आप ये देखो ये LED बंद हो गई इधर, ठीक है। इसका मतलब अभी चार्जर काम नहीं कर रहा। तो अभी देखो पहले वो जिस तरह दिखा रहा था ना 20, अब नीचे की तरफ जा रहा है, 27.3 हो गया, थोड़ी देर बाद 2 हो जाएगा क्योंकि ये पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखो 2 पे जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता 2 पे जाने लग गया वो, ठीक है। अभी जब मैं चार्जर ऑन करूंगा तो आप देखिएगा क्या होगा। अभी मैं ये इसका, ये तो दूसरा हीटर का है, ठीक है, ये देखे अब चार्जर ऑन हो गया, देखे लाइट ऑन हो गई, कोने पे लाइट नजर आ रही है, लाइट ऑन हो गई, देखे वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया, पहले नीचे जा रहे थे अब ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब अभी चार्जिंग स्टेट में, ठीक है। इसका हमेशा आपको जब भी टेस्ट करना है ब्रेकर गिराने का जरूरत नहीं है, वहां पे ऑलरेडी इंटरलॉक सिस्टम है हमारा, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ मैनुअल पे टेस्ट करना है तो आप पहले स्टॉप मोड दबाओगे, ठीक है, यहाँ देखोगे कोई भी अलार्म नहीं, इसको ले जाओगे स्टेटस स्क्रीन पे, ठीक है, स्टेटस स्क्रीन पे आ गया, यहाँ से आप प्रेस करोगे मैनुअल का बटन। अभी मैनुअल मोड सेलेक्ट हो गया, पहले क्या ऑटो मोड सेलेक्ट था, अभी मैनुअल मोड सेलेक्ट है, ठीक है। अभी स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से हमें ये स्टार्ट का बटन दबाना होगा, सही है। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट करके देखें, ये देखें इसको मैनुअली दबाया, ये अभी थोड़े से टाइम के बाद ऑटोमेटिकली क्रैंक करवाएगा इंजन को और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे भी टेस्टिंग कर लिया लेकिन ज्यादा देर छोड़ना नहीं है कि आप उसको छोड़ के एक घंटा छोड़ रहे हो, आधा घंटा छोड़ रहे हो, विदाउट लोड नहीं छोड़ना उसको।
जस्ट ये टेस्टिंग भी करना है तो प्रॉपर तरीका जो इंजन का टेस्टिंग का है वो ये है कि इसको हमेशा लोड पे टेस्ट करना है आपको, ठीक है। आपके पास लोड होना चाहिए क्योंकि ये मशीन बनी है लोड उठाने के लिए। अगर लोड नहीं होगा तो इसका टेम्परेचर बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसे ही घूमता रहेगा, कोई फायदा नहीं, उल्टा खराब होगा इंजन, सही है। तो हमेशा कोशिश करें कि इसको लोड पे डाल के स्टार्ट करें। तो उसके बाद अब दोबारा जैसे अब हमने छोड़ दिया ऑटो पे रखना है तो हम जस्ट ऑटो का बटन दबा देंगे, सही है। और अगर कमांड आ रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पावर फेलियर है तो ये स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें घबराने का कोई बात नहीं है। ये ब्रेकर अगर ऑफ रहेगा तो वहाँ पावर ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं होगा। ये ब्रेकर ऑन रहना है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हो, वो वाला बटन दबाएं, ये रेड बटन मत दबाओ। अगर कोई बंदा है आपको इमरजेंसी में जनरेटर बंद करना है, जनरेटर चल रहा है, आपको ये दरवाजे लॉक है, किसी ने लॉक कर दिया, आपके पास चाबी नहीं है, आपको जनरेटर इमरजेंसी में बंद करना है, आप वो बटन दबा दोगे, अभी दबाओ, ठीक है। अभी वो क्या बोल रहा है, कैनोपी इमरजेंसी स्टॉप, ठीक है। तो अभी मतलब वहां से आपने जैसे उसको रिलीज किया इधर अलार्म आ गया, वो हो गया, ठीक है। तो अभी हमने उसको क्या करना है, उसको हटा दिया, अभी वो अलार्म हट गया। फॉर एग्जांपल जैसे चल रहा है आप उसको इस तरह काम करेगा, वो ये दबाया, इमरजेंसी स्टॉप हो गया, आपको कोई पता नहीं किसी चीज का, यहाँ पे आपको बंद नहीं करने का पड़ता, सिर्फ आपने अंदर को प्रेस करना है। उसको मैं अभी सेट कर दूंगा, वो दबाने से ही प्रेस होगा, ठीक है। अब रिलीज कैसे करना है और अलार्म को हटाना कैसे, सबसे पहले इसको हटाया, ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी स्टॉप दबा दिया, ठीक है। इसी तरह और भी कोई अलार्म आ सकता है, अंडर वोल्टेज का भी आ सकता है, ऑयल प्रेशर का भी आ सकता है। तो ये नहीं कि हमेशा यहां से बस देखा और उसको रीसेट कर दिया और चला दिया, नहीं। अगर लो ऑयल प्रेशर है तो वॉक अराउंड करके देखना, कहीं ऑयल फिल्टर तो लीक नहीं हो गया, ऑयल तो सारा नहीं निकल गया बाहर, ठीक है। तो अगर ऑयल निकल गया तो उसको पहले रेक्टिफाई करना है, ठीक है। इमरजेंसी स्टॉप अगर किसी ने दबाया तो क्यों दबाया, क्या रीजन था, ठीक है। कोई भी इशू है उसको रीसेट करने से पहले उसको रेक्टिफाई करना है, उसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, तो फिर उसको स्टार्ट करना। ये नहीं कि इंजन में ऑयल निकला हुआ है, लो ऑयल प्रेशर आया, आपने जी मुझे बताया था ऐसे रीसेट करना है, ऐसे ऐसे दबाया, रीसेट किया, चला दिया, इंजन सीज हो गया। ऑयल नहीं था ना, इंजन अंदर चला बगैर ऑयल के सीज हो गया। तो ऐसे कभी भी नहीं करना, कोई भी प्रॉब्लम है पहले उसको अपना देखना है, अपने सुपरवाइजर से पूछना है जो भी है कि भाई ये प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा, सप्लायर से पूछना है, उसके बाद उसको करना है, ठीक है। तो कोई भी चीज है। और दूसरा क्या, अगर आप इस जनरेटर को चलाएंगे नहीं 6 महीने तक, ठीक है, तो फिर भी आपको इसके फिल्टर चेंज करने हैं, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर और इसका डीजल फिल्टर जो है, डीजल के 2 फिल्टर हैं और ऑयल का 1 फिल्टर है, ये और उसके साथ एक ऑयल का ऑयल भी चेंज करना है, चले या ना चले एवरी 6 मंथ ये आपको करना है, ठीक है। ये अपने शेड्यूल रहेगा, आप उसके हिसाब से इसको चेंज करोगे, ठीक है। आप इसका एक लॉग बुक बनाओगे, इसमें लिखोगे आज फलाने ऑपरेटर ने चेक किया, अभी देखो रनिंग आवर कैसे चेक करना है, ठीक है, अभी इंजन चला है कितना चला है। अभी यहाँ पे हम जाके इंजन में जाएंगे सबसे पहले, अभी हम बाहर हैं, ठीक है। सबसे पहले राइट एरो दबाया, इंजन सेक्शन में गए, डाउन एरो दबाया 223 घंटे चला है और 18 मिनट, ठीक हो गया। तो यहां से हमें पता चलेगा 223 घंटे चल चुका है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर उससे पहले पहले ये अभी 250 घंटे और चलता है, फॉर एग्जाम्पल ये 500 का पहुंच जाता है, तो आपको फिर भी सर्विस करनी है, हर 250 घंटे पे भी सर्विस करनी है। अगर चलता हुआ है तो 250 घंटे पे, नहीं चलता हुआ तो 6 महीने पे, ठीक है। और डीजल में हमेशा ख्याल करना है कि जब भी कोई डीजल फिल करने आए, पहले डीजल का सैंपल लेके चेक करना है कि पानी वाला डीजल ना, अक्सर डीजल वाले सप्लायर आते हैं तो पानी भी मिक्स होता है उसमें, तो पहले एक ग्लास में पानी लेना शीशे वाले में, उसमें देखना है कि पानी तो नहीं है, प्योर डीजल है। अगर पानी रहेगा तो डीजल ऊपर चला जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया यहाँ से रिलेटेड हमारा, ठीक है। तो अब इंजन का ऑयल वगैरह कैसे चेक करते हैं वो आपको आइडिया है, कुछ नहीं है उसका आइडिया, कभी किया नहीं, बता दीजिए सही। तो वो हम उस तरफ चलते हैं, आपको दिखा देते हैं इंजन का ऑयल कहाँ पे, ये इसका जो है इधर लाओ, ये इसका इंजन का ऑयल फिल्टर, इस पे लिखा हुआ भी ऑयल फिल्टर, इसके अंदर इसका फिल्टर, इसको खोल के इसके अंदर इसका एलिमेंट रहता है, ठीक है। और इंजन ऑयल चेक करना है तो ये इसका डिपस्टिक है, यहाँ पे निकाल के देखेंगे, अभी हमने इंजन चलाया था ना तो इसलिए स्टेबल नहीं है, लेकिन यहाँ तक होना चाहिए, ये ऊपर वाला कट है ना, इससे ज्यादा ऊपर फिल नहीं करेंगे, इससे थोड़ा सा नीचे ही रहेगा तो सही है, ठीक है। इसको हमेशा जब भी निकालना है साफ करके दोबारा अंदर डालना है, फिर निकालना है और फिर चेक करना है, ठीक है मेरा भाई, ये आ गई आपको समझ, ठीक है। उसके अलावा ये एक हीटर लगा हुआ है, गर्म है, ये हर वक्त हमेशा इंजन को हीट रखता है। अभी आपको देखो एक महसूस हो रहा है, एक हीट है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये इसके इंजन के वाटर को हीट रखता है। और उसके अलावा अगर डीजल चेक करना है तो डीजल का इंडिकेटर वो है, देखो अभी
उधर डीजल कितना है, क्वार्टर है अभी। अभी आपको लाजमी इसको थर्ड थ्री फोर्थ करना चाहिए, यहां तक लाना चाहिए कम से कम भी, ठीक है। और डीजल फिल करने के लिए ये हमारा ऑप्शन है, यहां से आप डीजल फिल कर सकते हो इस कैप में, ठीक है। ये बना हुआ इस पे निशान, ठीक है, यहां से आपने डीजल फिल कर देना है। ये कितना फिल्टर है डीजल वाला, एक ही? हाँ, एक ऑयल का ऑयल है ये, ऑयल फिल्टर एक है, उस तरफ फ्यूल के दो हैं और एक एयर फिल्टर इसका, ठीक है। एयर फिल्टर भी चेंज करना है? एयर फिल्टर 800 घंटे पे या बहुत सारा, अगर ज्यादा चल रहा है, गंदा हो रहा है, तो फिर ये वाला खोलिएगा जरा दरवाजा, इधर भी देखना है एक चीज और है। अब अगर इंजन का ऑयल निकालना है, सर्विस करनी है, तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल, इंजन का ऑयल चेंज करना है तो ये देखें, ये इसका पंप लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका ड्रेन पंप है और ये लगा हुआ है इसका मेन वाल्व। सबसे पहले आप ये वाल्व खोल लेंगे, ठीक है, इसके आगे एक छोटा पाइप लगाएंगे, उसको बाहर ले आएंगे, यहाँ पे ड्रम रखेंगे या जो भी गैलन रखेंगे उसको रख के इसको घुमाएंगे तो यहाँ से ऑयल आने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑयल डालने के लिए इसको बंद कर देंगे, इसको इस पोजीशन में रखेंगे, ऊपर से इसकी जगह है ऑयल डालने की, ठीक है, वहां से उसके अंदर ऑयल फिल कर देंगे आप, ठीक है। ये हिस्सा हमारा अल्टरनेटर का, इधर आप ब्लोअर से हमेशा सफाई वफाई करेंगे इसकी और इसका सराउंडिंग क्लीन रखेंगे ताकि कभी भी कोई लीकेज होगा तो आपको मालूम रहेगा कि बस, तो इसको हमेशा इसी तरह क्लीन और साफ सुथरा रखना है, ठीक है। तो ये है जनरेटर से रिलेटेड, ऑयल के डालने के लिए ऊपर जगह होगा। हां, ऑयल डालने के लिए मैं आपको उधर से दिखा देता हूं, ये कितना लीटर डालेगा। देखो, 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 इधर से इधर से लेवल बताएगा। ये देखो, ये जगह है ना, ये खोल के इसमें कीफ लगा के तो इसमें से ऑयल डालना है। इसमें तकरीबन आता है आपका 60 से 62 लीटर के, 65 के लीटर के दरमियान में आता है, ठीक है। वो आप डिपस्टिक से भी चेक कर सकते हो, जब डाल दोगे 50-60 लीटर डाल के उसके बाद डिपस्टिक निकाल के देखो कितना लेवल हो गया, वहीं पे रोक दो फिर, ठीक हो गया। अब उसके बाद जनरेटर का साइड तो हो गया, ओके, ठीक है। अब जैसे ये देखो, इधर भी ये थोड़ा गंदा हो रहा है ना, अभी इसको भी कपड़े से साफ रखना है हमेशा, ताकि आपको कभी भी कोई लीकेज होगा तो इसमें पता नहीं चलेगा। तो हमेशा इसको ऐसा रखना है बिल्कुल। रेडिएटर का कूलेंट कैसे चेक करें? हाँ, रेडिएटर का कूलेंट जो है उस पर सेंसर भी लगा हुआ है, अगर लो होगा तो आपको स्क्रीन पे भी पता चलेगा, स्क्रीन पे भी पता चलेगा और वहां पे ऊपर इसका दिया हुआ है खोलने का। तो हमेशा कपड़ा रख के और ठंडे इंजन में खोलना है, कभी भी रनिंग से बंद हुआ है उस वक्त नहीं खोलना आपको, ठीक है। तो हमेशा जब उसके ऊपर कपड़ा रख के बिल्कुल सेफ्टी से ध्यान से उसको खोलना है। पानी नहीं डालना, कूलेंट नहीं, कूलेंट ही डालना है हमेशा, नॉर्मल पानी क्यों डालना है, ठीक है। तो ये हो गया यहां तक का। अब उसके बाद इसको कर देते हैं बंद, ठीक है मेरा भाई। और आप लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब ये देख लो, अभी हमने इसको हमेशा इस तरह छोड़ा हुआ है स्टॉप पे ना, तो अभी इसको स्टॉप पे नहीं छोड़ना, इसको ऑटो दबा के रखना है, ठीक है। ये मैंने ऑटो दबा दिया इसका, इधर डीजल की तरफ जा रहा है, डीजल क्या करना है इधर से। हाँ, वो फिल्टर बोल रहे थे। हाँ, ये इसके डीजल के दो फिल्टर हैं, ठीक है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, देखो इस पे लिखा हुआ भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी, इसका स्टिकर पीछे चला गया, ठीक है। तो ये इसका दो फिल्टर ये हैं, एयर फिल्टर देखना है तो एयर फिल्टर इधर ये खोलिएगा, ये इसके अंदर इसका एयर फिल्टर, इसका कवर है, ये लॉक खोल लेंगे आप, ठीक है। लॉक खोल के इसको बाहर निकाल के ब्लोर कर सकते हैं, ब्लोर करके अंदर डाल सकते हैं। अभी भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा डीजल गिरा हुआ है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं, को लगा के हम लोगों ने हाँ, ही कर दिया, बस ठीक है, टाइम में डाला है, बस ठीक है, ठीक है। अभी वो आए थे इधर से, अच्छा, तो इसको कहीं डीजल बंद करके भी बिटर खोला जाएगा ना? नहीं नहीं, डीजल बंद वहां पे करते हैं जहाँ टैंक ऊपर लगा होता है, यहाँ टैंक नीचे है, वो खुद ही खींचेगा तो आएगा। वो आप जो कह रहे हो वो इसलिए होता है कि अगर कोई ऊपर ओवरहेड टैंक लगा हुआ यहाँ तक आ रहा है तो सप्लाई को बंद करेंगे ताकि डीजल आए नहीं, इसमें नहीं आएगा। अच्छा, इसमें आपको डीजल करना है, फिर ये इसका पंप है, प्राइमिंग पंप करके इसको फिल करके को लगा देना है, ठीक है। उसके अलावा ये इसमें दो बैटरीज लगती है हमेशा, 12-12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये मिनिमम 125 एम्पीयर की एक है, ठीक है, 100 से ऊपर ही लगानी है, जब भी लगानी है, अगर चेंज करनी है। ये भी तकरीबन 1.5 साल के बाद रिक्वायरमेंट हो जाती है, और अभी फुल चार्ज है स्टार्टिंग में, बिल्कुल ओके। जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रहेगा तो आप चेंज कर सकते हो उसको।